नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के बारे में। श्रद्धा मर्डर केस में बुधवार को सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। श्रद्धा ने आफताब के हिंसक बर्ताव के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा ने 23 नवंबर साल 2020 को मुंबई की पालघर पुलिस को एक पत्र लिखा था। उसने पुलिस को बताया कि उसका लिव इन पार्टनर आफताब उसे मारता पीटता है, अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो आफताब उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। दावा ये भी किया जा रहा है कि श्रद्धा ने आफताब के बर्ताव के बारे में उसकी फैमिली को भी बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मुंबई जाकर श्रद्धा के परिवार वालों के बयान दर्ज किए हैं। श्रद्धा और आफताब के रिश्ते के बारे में सवाल पूछे हैं। रोहिणी फॉरेंसिक लैब में मंगलवार को आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है और ये प्रोसेस करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन का नया वीडियो अब सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें बैरक के भीतर सतेंद्र जैन को खाना परोसा जा रहा है। एक व्यक्ति लगातार उनकी सेवा में जुटा है। इससे पहले जैन के 4 वीडियो सामने आए थे जिसमें वो जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मीडिया के लिए एक और वीडियो सामने आया है। रेपिस्ट से मसाज के बाद अब सतेंद्र जैन लजीज खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। एक अटेंडेंट उन्हें खाना परोस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रिजोर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं। केजरीवाल ने ये निश्चित कर दिया है कि हवालाबाज को जेल में सजा नहीं मिले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंची। यात्रा का पहला पड़ाव बुरहानपुर जिले का बोधराली गांव रहा। यहां सुबह 7 बजे राहुल की आरती उतारकर स्वागत किया गया। बंजारा लोक नृत्य कलाकार रीना नरेंद्र पवार ने उनके स्वागत में लोक नृत्य किया। और आपको हम बता दें कि एमपी में अपने पहले भाषण में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा, भारतीय जनता पार्टी पहले डर फैलाती है फिर हिंसा। हिंदुस्तान में किसी को डराने की जरूरत नहीं है। राहुल का काफिला सुबह 6 बजे महाराष्ट्र के जलगांव जामोद से रवाना हुआ। एमपी में यात्रा की शुरुआत बुधराली से हुई है और यहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। कहा, भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जन समर्थन मिलेगा। यात्रा 3.5 घंटे चलकर बुरहानपुर पहुंची है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में गवर्नर की गरिमा खत्म हो चुकी है। हम उन्हें गवर्नर मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह गए हैं। गवर्नर को निष्पक्ष होना चाहिए और अपनी बातों में गरिमा दिखानी चाहिए। लेकिन हमारे गवर्नर छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और सावित्री बाई फुले पर बयान देते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का मजाक बना दिया है। दरअसल शनिवार को कोश्यारी ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी राव पुराने समय के हीरो थे। नए जमाने में हीरो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर और नितिन गडकरी है। इस बयान से विवाद पैदा हो गया। विपक्षी दलों समेत मराठा संगठनों ने मांग रखी कि केंद्र सरकार कोश्यारी को गवर्नर पद से हटा दे। 2 महीने पहले 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद पहली बार अशोक गहलोत और सचिन पायलट किसी पार्टी मीटिंग के में साथ साथ नजर आए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच तलखी साफ नजर आई। गहलोत और पायलट ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में तैयारियों को लेकर आज पार्टी की समन्वय समिति की पहली मीटिंग थी। कांग्रेस वॉर रूम में हुई बैठक में समिति के 33 सदस्य शामिल हुए। हालांकि सभी की नजरें अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर ही टिकी थी। कांग्रेस की बैठक में गहलोत और पायलट की कुर्सी के बीच में दूरी थी।
पायलट जहां हरीश चौधरी के बगल में बैठे, वहीं अशोक गहलोत के एक और जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे। करीब 11:30 बजे शुरू हुई मीटिंग में अशोक गहलोत देरी से पहुंचे, वहीं सचिन पायलट मीटिंग खत्म होने से करीब आधा घंटा पहले ही निकल गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये जीत ऐतिहासिक होगी। जितिन प्रसाद ने कहा कि हमारा वायदा है कि रामपुर को आधारभूत सुविधाओं से लिहाज से उत्तर प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाकर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के कृष्णा विहार कॉलोनी स्थित चुनाव कार्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आयोजित करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि एक समय था जब रामपुर को उद्योगों की नगरी कहा जाता था, लेकिन रामपुर के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर रामपुर के उद्योगों को बर्बाद कर दिया। यहाँ के युवाओं के हाथों से रोजगार छिन गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद युवाओं के रोजगार, गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद की रेस शुरू हो गई है। हिमाचल के नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर अपना नाम पुख्ता करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब इसमें कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का नाम भी जुड़ गया है। हिमाचल के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके अलावा नैना देवी सीट से विधायक रामलाल ठाकुर ने भी राजीव शुक्ला से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि प्रतिभा वीरभद्र सिंह भी कई दिनों से दिल्ली में ही है। हालांकि अभी तक उनके किसी से मुलाकात करने की खबर सामने नहीं आई है। कांग्रेस ने आगामी दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी चुनाव के दौरान अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के प्रयास में राष्ट्रीय स्तर के पहलवान को टिकट दिया है। दीपिका देशवाल दिल्ली के सरस्वती विहार वार्ड नंबर 58 से चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से मिल रही कड़ी चुनौती के सवाल पर दीपिका देशवाल ने कहा, आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने बाहरी लोगों को मैदान में उतारा है और मैं इसी इलाके में पैदा हुई और पली बढ़ी हूँ। कुश्ती में मेरी सक्रिय भागीदारी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लेख होने के कारण लोग मुझे पहचानते हैं। स्थानीय लोगों ने मुझे नामांकन दाखिल करने के लिए प्रेरित किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जामनगर उत्तर सीट से इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा की बहन नयनाबा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। रविंद्र जडेजा की पत्नी और उनकी बहन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविंद्र जडेजा की बहन नयनाबा ने अपनी भाभी रिवाबा जडेजा पर एक नया आरोप लगाया है। बीते मंगलवार को नयनाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रिवाबा चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, जो गलत है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए रिवाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नयनाबा ने कहा कि रिवाबा सहानुभूति हासिल करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, एक तरह से इसे बाल श्रम कहा जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अगला T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट के साथ खेला जाएगा। दुनिया में क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने साल 2024 में होने वाले इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बदलाव किया है। अहम बात यह है कि वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले जाने वाले T20 के सबसे बड़े टूर्नामेंट में 20 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसके मैच अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला गया T20
वर्ल्ड कप लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में खेला गया था। इसमें सबसे पहले क्वालिफाइंग राउंड खेला गया था। दो ग्रुप के क्वालिफाइंग राउंड से चार टीमों ने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया, जहां 8 टीमें पहले से मौजूद थी। सुपर 12 में 6-6 टीमों के दो ग्रुप थे। दोनों ग्रुप में से दो दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची और इन मैचों की विजेता टीमों ने फाइनल मैच खेला। फिलहाल के लिए इन 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।